अब शुरुआत होगी एक नए चैप्टर की, जहां मैं कवर करने वाला हूं इंडिया के कोने कोने के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स। इंडिया का लोकल टैलेंट दिखाऊंगा आपको। आज आया हूं मैं नागपुर में आरूही क्लासिक कवर करने के लिए, और यहां पे मिलने वाला मुझे ढेर सारा टैलेंट, लोकल टैलेंट। यार बड़े बड़े IIBB प्रोस से तो आप तो मिलते रहते हैं, उनसे मैं मिलाता भी रहूँगा, बट जो लोकल एथलीट्स हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ से आते हैं, क्या उनकी स्ट्रगल है, तो ऑडिटोरियम में चलते हैं और एक एक से मिलते हैं। सो ये हमारे अनिरुद्ध भाई। सर अनिरुद्ध भाई, यहाँ पे अपना स्टॉल लग रखा है। बिल्कुल भाई, मसल स्ट्रॉन्ग का स्टॉल लगा हुआ है। किस नाम से? मसल स्ट्रॉन्ग। मसल स्ट्रॉन्ग इनकी सप्लीमेंट कंपनी है, तो अगर आप नहीं जानते अब पता लग गया आपको। जी बिल्कुल भाई। क्या क्या बनाते हो? सब बनाते हो भाई? सब कुछ, वे प्रोटीन, आइसोलेट, BCA, ग्लूटामाइन, क्रिएटिन। क्या बात है। तो इनका BCA टेस्ट करेंगे, देखते हैं कैसा है। राइट, और पीछे इनके स्टूडेंट भी हैं जो पीछे बिजी हैं, मुझसे सवाल कर रहे थे भाई फेमस कैसे होना है मुझे। तो मैंने भाई को 2-3 टिप्स दिए। मैंने कहा मैगी खा फेमस हो जाएगा। आइए, कैसे भाई जान? सर एकदम बढ़िया। नाम तो बताइए अपना। ये भी फोटो खींचने में लग गए। भारत। हाँ भारत बोदड़े, महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र पुलिस। हाँ, हम भी बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इनको तो देख के पुलिस वाले को देख के डर जाएगा कोई। है भाई, तो यहाँ कैसे? यहाँ कैसे? रोहित सर ने हमारे पुराने दोस्त है, फ्रेंड है, तो मैंने इन्वाइट किया था, बुलाया था। गेस्ट पोजिंग है या गेस्ट? नहीं नहीं गेस्ट पोजिंग, अभी थोड़ा ऑफ पोज। थोड़े से तो कहीं से ऑफ नहीं लग रहे आप। फुल है, फुल ऑफ नहीं। जब बॉडी बिल्डर ऑफ बोले तो समझ लो वो ऑन है। क्या बात है भाई की पर्सनैलिटी भी देखो, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त। में मुझे फर्स्ट मिला गोल्ड। क्या बात है। देखो पुलिस वाले हो तो ऐसे हो यार, मज़ा आ जाता है ना मिलके। नहीं राइट, पर साथ में आपके मित्र आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? नितेश। आपके मित्र आए हुए हैं, तो गाइस मैं आपको सारा पूरा एंड टू एंड कवर करेंगे पूरा इवेंट। कौन सा ऑडिटोरियम है भाई ये? क्या नागपुर? सूरज भट्ट। ये तो सिंगर के नाम लग रहे हैं भाई। सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम। सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम है, और भाई ने सही बोला था, यहाँ की धूप बहुत कड़क है, बहुत कड़क धूप है। आई 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 आई, लोगों का प्यार है, तो यहाँ की धूप बहुत कड़क है यार, लेकिन यहाँ का ऑडिटोरियम भी बहुत ज़बरदस्त है। देखिए ना, कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आज ऐसे कंपटीशन को कवर करने में। लोकल नागपुर टैलेंट। राइट भाई, आपको पता है मैंने माइक 2 साल बाद पकड़ा और आपसे शुरुआत हुई है। थैंक यू कि आप मेरे उस पर यहाँ पे आए कवर करने के लिए। नहीं, इसलिए मैं लकी हूँ। और आज चलते हैं सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में और एथलीट्स को दिखाएंगे, नए नए एथलीट्स को दिखाएंगे। लोकल एथलीट है, यहाँ का लोकल टैलेंट जो मिली है ये। अरे How are you? ये हमारे सोहेल भाई बहुत गंदी टैनिंग करते हैं। मेरी तो बहुत गंदी टैनिंग करते हैं। एक तो मेरी गंदी बॉडी होती है, ऊपर से गंदी टैनिंग कर देते हैं, ऊपर से बॉडी और गंदी हो जाती है। बॉडी गंदी नहीं है, नो वे। अब ये वायरल होने वाली है। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, प्रोटैन की करता धरता यही है। आपने कहा था एक एब्स क्रीम मुझे आप दोगे जिससे मेरे एब्स आ जाएंगे, वो एब्स क्रीम तो आई नहीं मेरे पास। मैं सैंपल्स भेज देता हूँ आपको। तो इनके पास एक बहुत ज़बरदस्त एब्स क्रीम है, अगर आपके एब्स ना हो ना तो आप एब्स लगाओ, वो क्रीम लगाओ पेट पे, एब्स आ जाते हैं। तो मैंने मंगाई है बहुत टाइम से। हाँ, पर मैं मिस हो रहा था भेजने में, पर यस। आपको मजाक लग रहा है भाई, इनके बारे में इस बारे में ना बात करेंगे, दिखाएंगे लोगों को एब्स वाली क्रीम। यस 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 यस, वो क्रीम एग्जिस्ट करती है। आपको लग रहा है नई क्रीम लेके आए भाई अभी? हैं हाँ, नई क्रीम आज लॉन्च कराते हैं। चलो क्रीम भी दिखाते हैं भाई, क्रीम दिखाना ज़रा, ठीक है? आओ, तो आज वो क्रीम भी दिखाएंगे आपको, भाई का BCAA भी। तो ये सारे, ये भाई नागपुर की मेरी सपोर्टिंग टीम है। अच्छा, ये जो मेरे कुछ खास बच्चे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा चिकन बनाया था इसने। अरे चिकन किया था हमने कल नाइट में जो हमारा डिनर हुआ था। हाँ, और चिकन बहुत ही लाजवाब बनाया था इन्होंने। किन्होंने बनाया था? साहिबा यहाँ खड़ी है आपके सामने। अच्छा, चिकन जी, चिकन स्पेशलिस्ट हैं आप? चिकन स्पेशलिस्ट हैं। कैसे बनाते? बॉयल चिकन बनाया था? नहीं, ग्रेवी वाला। ग्रेवी वाला वो तो नजर आ गई मुझे, ग्रेवी यहाँ पे। यहाँ पे भी ग्रेवी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ ग्रेवी नजर नहीं आ रही है मुझे। वो कुछ सालों बाद आएगी, कुछ सालों बाद आई। काफी सारे स्पॉन्सर थे भाई। हाँ, वो मैं नजर आ रहे हैं, देख रहे हो भाई, हर जगह। ये सीजन 2 है, मतलब दूसरे साल है ये करा रहे हैं। राइट, ये है अपना। अच्छा, बढ़िया भाई, हर जगह सारे आ गए, हर कोई न्यूट्रिशन आ गया, ANS सब कुछ, सिंह फिटनेस, हेल्थ कार्ड, प्रोटीन शॉप। आज यहाँ एथलीट को काफ़ी कुछ मिलने वाला है ऐसा लगता है। अच्छा, मज़ा आ गया भाई, तो देख के आ रहे। परवीन आ जाओ,
गाइस आप देख रहे हो ऑडिटोरियम कितना ज़बरदस्त है यार, वाह। ऑडिटोरियम भी बहुत बढ़िया है। वेरावी अच्छा मैं घूम गया था, मुझे डाक दिख रहा, तुम्हें तो डाक नहीं दिख रहा। ओके अभी अपना स्टॉल खाली है लेकिन आवाज़ पर दिख रहा है। अच्छा अपना स्टॉल है, कैसे हैं, क्या बात, ANS लगा रखा आपने? अरे इसमें वो होगा क्या, पीच मैंगो? अरे तो अपना ना ना पीच मैंगो तूने पिलाया था मुझे, बहुत अच्छा लगा था, मुझे याद है पीच मैंगो। यार देखो मेरा इससे कुछ नहीं बनता। ये बॉटल भर दे। देखो यार मैं ना प्रमोट करने के, आपको पता है यार, पैसे लेता हूँ, लेकिन fucking this shit is good, this is amazing, water भरते भाई। हाँ सर। हाँ यही पीच मैंगो वाले से यार, यही है ना पीच मैंगो है। एक और डब्बा भी है, एक और डब्बा भी है कितना पैसा चालू है, 2 से 3 स्कूप ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा। मैं डब्बा लेने की सोच रहा था। हाँ अरे यार बहुत टेस्टी है, बट बाय द वे सीरियसली बहुत टेस्टी है। और ये साथ में क्या है? ये हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन, आपने लास्ट टाइम चेक ट्राई नहीं किया? नहीं 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 मैं BCA ट्राई करूँगा सिर्फ, राइट। प्रोटीन तो है हमारे पास, ये ANS का NISO। ये इंडियन कंपनी है क्या? US, मेड इन US। अच्छा ये दिखाना ज़रा, ये फिर दिखा चॉकलेट वाला। लेट्स ट्राई दिस, मेरे को यार सारी कंपनी ट्राई करनी चाहिए। Nice to meet you too, यार। चिप्स खा रहे हैं? नहीं यार हम तो पी रहे हैं अपना BCAA। कैसे हो? ऑल गुड, सब बढ़िया? नहीं नो प्रॉब्लम, सब ठीक। खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो, क्या कर रहे हैं? अच्छा देखने आते हो? I do it for myself। ये भी अच्छा, ये सबसे बेस्ट है। मिला, गुड टू सी यू। यू आर हियर सिंस मॉर्निंग नो? हाँ यार बट कॉम्पिटिशन में भी आया। अच्छा अच्छा, मैंने आपका अपडेट चेक किया था, आपको सोनू जॉन के साथ में। हाँ अभी यार तो चालू हुआ नहीं, अभी तो नहीं हुआ। चालू 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 दूर से निकल आ। खेलने आए हो आप? नाम क्या आपका? अश्वन कुमार सोनवानी। अश्वन कुमार, क्या बात है, तो स्पेशल कैटेगरी में खेलते हो? स्पेशल कैटेगरी क्या, कब से कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग? 5 साल हो गए। सारे कंपटीशन खेले? हाँ सेरू क्लासिक भी किया था। वहाँ भी खेले थे, क्या रहा वहाँ पे? वहाँ ब्राउन मेडल लगा था, ब्राउन मेडल। अच्छा तो यहाँ क्या सीन है? यहाँ भी अभी देखो हर जगह खुद अकेले आते हो? हाँ अकेले आते हैं, व्हील चेयर पर हर जगह खुद अकेले आते हैं भाई। आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है भाई? बॉडी तो दिखाओगे? दिखाओ नहीं दिखाओगे? दिखाओ ना, इधर रखो, इस पर रखो आराम से, देख रहे हो व्हील चेयर पे कंपीट करते हैं। इसमें है क्या क्या ये बैग में? ये देखो क्या बात है, इस साइड आ जाओ, इस साइड सही है, देख रहे हो ये हमारे व्हील चेयर बाबू, क्या बात है यार, पोर्ट्रेट कर दो। वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइम। अच्छा बताओ ना, बताओ बिफोर। रुको 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 रुको, ओके तो जो मैं कह रहा था ना, हिंदी में बात करेंगे। हाँ मैं कह रहा था ना एब्स वाली क्रीम, ये सब भाई, तो भाई क्या कब क्या बताओ? ये बेसिकली एक न्यू टैन है विच इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टैन विच वाज लॉन्च्ड इन 1982। दिस इज जैंटेना, मेड इन स्वीडन। ओह या ऑफ कोर्स। सो यस, सो वी हैड डिसकंटिन्यूड प्रोटैन एंड वी आर डूइंग नाउ जैंटेना इन ऑल द शोज। अच्छा अब सब जैंटेना यूज करेंगे? अब सब जैंटेना यूज करेंगे भाई, की है ना मोनोपोली है ना। सो दिस इज लाइक एन ओवरनाइट कोट लाइक हाउ वी हैव। हिंदी में ये है ओवरनाइट कोट इसका, ठीक है, और ये है इसका स्टेज कोट। अच्छा एंड ये इसका है शाइनर, क्या बात। और ये इसका एक स्प्रे है, जैसे कि अगर किसी को डेड स्किन होती है, काफ़ी होती है हमारे इंडिया में, कि हम लोग स्क्रबिंग नहीं करते टैनिंग के पहले, डेड स्किन अपेयर होती है, तो अगर हमें लगता है कि हमें डेड स्किन है तो वी अप्लाई दिस बिफोर टैन, और ये लगाने के बाद हम टैन यूज़ करेंगे तो डेड स्किन पूरी निकल जाती है। सो दिस इज़ अ फुल किट
विच इज़ देयर, और अभी पीछे जैंटना की ही टैनिंग चल रही है। अच्छा दिखाते ना, वो दिखाओ भाई, अब जैंटना की टैनिंग दिखाते हैं आपको, देखते हैं जैंटना से फ़र्क क्या है। ये बेटर है, ये बेटर है, कलर वाइज बेटर है और थिकनेस है प्रोडक्ट का एंड क्वालिटी वाइज बेटर। मुझे फ़र्क नजर आ, मेरी बॉडी इसलिए ख़राब होती थी, नाउ आई गेट इट, सीक्रेट खुल गया मेरा, अगर जैंटना होता तो शायद बॉडी अच्छी दिखती। तो अभी ये किट अगर आपके चाहिए तो आप लेके जा सकते हो जब भी आप खेलेंगे, वरना हम तो है आपके साथ एनीवेयर। आप टू लेट ठीक है भाई, दे रहे हैं तो बट मैं किसी एथलीट को कर दूंगा, बट गाइस ये है जैंटना की किट। जैंट अब ये मैं सोचता हूँ, जैंटना बहुत पुराना ब्रांड है, जो बॉडी बिल्डिंग ओल्ड स्कूल करते हैं उन्हें पता है ये क्या है। ये मेरे ख्याल से इंडिया में मेरे ख्याल से मिलता भी नहीं था आपके, अभी अभी आ रहा है इंडिया में, इसको दो महीने से अभी हम लोग लेके आ रहे हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया। देखते हैं कैसे लगती कैसे है किट, आइए लेट्स सी दैट। आपका बहुत बड़ा ब्रांड, मैं फेसबुक में देखते रहता हूँ जो भी आपकी टिप्स हैं। अच्छा। जो आपने 45 दिन के अंदर बॉडी बनाया था 3 महीने, ये भाई जैंट है ना, ये ना, ये देखो गाइस हमारे को मिल गया हमारे पहले एथलीट, क्या नाम है आपका? बादल पराते। हाँ बादल पराते। बादल पराते क्या करते हो बादल? मैं न्यूट्रिशन शॉप है जी में। कहाँ पे? यहीं पर है नंदनवन। अच्छा ये मतलब छोड़ सकते हो इसको, कोई नहीं दिक्कत नहीं, वो वीडियो बन रहा भाई, छोड़ दो भाई, भाई होगी फोटो, हो गई ना भाई, एकदम सही पोज फ्रीज हो गया था। हाँ कब से कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग? बहुत साल हो गए। तो आप कितने कंपटीशन खेल लियो अभी? इस साल 8-9 हो गए। 8-9 कंपटीशन, एक बार पोजिंग करके तो दिखाओ। बॉडी बिल्डिंग कौन सा वेट? 75। क्या थाई वाई भी होगी अच्छी, देखो बॉडी बिल्डर की थाई होती है ना, फटाक से निकल उतार देता है, दे देगा। शाइन आ रही है यहाँ पे, उस साइड आना, उस साइड लाइट में। हाँ लाइट में हमारे लाइट में। हाँ अब सही है। हाँ ये देख रहे हो, इज द गाय बादल भाई, क्या बात है यार, कमर छोटी सी कमर, ये जैंटना लगा मैंने, काश मेरे पास भी जैंटना होता उस टाइम। अच्छा लग रहा भाई, ऑल द बेस्ट। देखा यही कैसे कुर्ता। हेलो सर, हाउ आर यू मैम, ऑल गुड? तो हम जा रहे हैं बैक स्टेज। हाँ आइए, हम ही ऑर्गेनाइजर टीम है। अच्छा क्या बात है, हम लोग यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में पर्टिकुलरली 10 साल से शोज करवा रहे हैं। आइए दामिनी मैम, एंड दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ऑडिटोरियम ऑफ सेंट्रल इंडिया। अच्छा राइट, मैं ऑडिटोरियम की तारीफ कर रहा था अभी यार, इतना बढ़िया ऑडिटोरियम, बहुत बड़ा है। दिस इज NMC ऑडिटोरियम ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड 10 साल से यहाँ पर शोज करवा रहे हैं। दिस इज बेसिकली गिफ्ट बाय मिस्टर गडकरी जी। अच्छा गडकरी जी, सो कैन आई टेक अ फोटो विद यू? अच्छा Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Yeah. So basically, the capacity of almost 2,000 plus seats here, and this whole. हिंदी में बात करते हैं ना भाईजान। All right. आपके comfort के लिए मैं बोल रहा था, ठीक है? नहीं, मेरे comfort हिंदी है, अपने रत्ना का comfort हिंदी है। चलो ठीक है, done. अच्छा। तो अपने यहाँ पर कैसा? Actually 2,000 capacity का ये auditorium है, ठीक है? फोटो ले लीजिए सर। हाँ जैसा कि मैं बता रहा था, ये जो ऑडिटोरियम है सेंट्रल इंडिया का सबसे बिगेस्ट ऑडिटोरियम है, 2000 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पर, और टोटली ऑलमोस्ट सिक्स एकड्स में ये पूरा ऑडिटोरियम फैला हुआ है। हम लोग यहाँ पर 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करते हैं। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं? नहीं, सारे टाइप्स के होते हैं, नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन, इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन हम लोग यहाँ पर कराते हैं। तो इस बार हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि तरुण सर हमारे बीच आए। अरे नहीं भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने तो ऐसा ऑडिटोरियम नहीं देखा यार, दिल्ली में भी नहीं देखा ऐसा ऑडिटोरियम। कुछ एथलीट्स हैं हमारे यहाँ पे जो दिल्ली से बैंगलोर से आए हैं, तो उनका ही बोलना यही है कि हमने पूरा इंडिया में ऐसा ऑडिटोरियम देखा नहीं है। अमेजिंग यार, दिखाओ टूर दो ना। ये बैक स्टेज कहाँ ये चल रहा है? बैक स्टेज इधर आइए, तो कैसे बैक स्टेज हम आइए। ये बैक स्टेज है, यहाँ पर सारे एथलीट्स जैसा आप देखेंगे कि ये प्रिपरेशन में अपनी लगे हुए हैं। हेलो, शेरा तो नहीं लगाएंगे आप? इस बार आपको नहीं लगाएंगे। क्या आपका जैंटना? ब्रांड बदलते हो रातों रात, रातों रात बदल देते हैं ब्रांड। डिफरेंस आप कलर डिफरेंस देख सकते हो। हाँ कलर डिफरेंस देखते हैं, पकड़ते हैं ना भाई हमारे। आप बताओ आपकी नज़र में सबसे अच्छा ब्रांड टैन किसका हुआ? सबके अच्छे सबके अच्छे हैं सबसे अच्छा किसका हुआ?
वैसे जिसकी अच्छी बॉडी उसका अच्छा टैन, सिंपल है भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा क्या? ये टाइमिंग भी अच्छी है, देखो। नहीं नहीं सबकी टाइमिंग क्या बात है यार। अरे क्या नाम है भाई? विशाल ठाकुर। ठाकुर साहब नहीं है हमारे, यश भाई अगर आप देख रहे हो, आपके ठाकुर साहब मिल गए। लाइट देख रहे हो, नाम पूरा बताओ। विशाल ठाकुर। कहाँ से हो? दिलशाद गार्डन। नागपुर में? दिल्ली, दिलशाद गार्डन। दिल्ली बोलो ना जी। दिल्ली में दिलशाद गार्डन, मुझे लगा नागपुर में भी है जी। कब से कर रहे बॉडी बिल्डिंग? मैं बॉडी बिल्डिंग 18 साल की उम्र से कर रहा हूँ। अब कितनी उम्र है? अब मेरी 23 साल का हूँ मैं। कितने साल 23 साल के रहोगे? नहीं अब मैं 23 साल का हूँ। अब मैं आधार कार्ड भी मेरे पास। अरे मजाक कर रहे हो यार, कितने साल? 23 साल। क्योंकि मैं जितू से पूछता हूँ ना यार, मैं आज भी बॉडी बिल्डिंग इंटरव्यू करता ना, वो उम्र ही नहीं बदलते यार वो अपनी। नहीं, मेरा अभी भी आधार कार्ड है, मेरा आधार कार्ड देख नहीं, सकते हो आप। नहीं नहीं मैं नहीं देखूंगा यार, मैं आधार कार्ड 2 साल बाद देखूंगा। है भाई, ये पीछे जाते रहते हैं भाई। सही बात है। लेकिन माशाल्लाह 23 साल में बहुत अच्छी बॉडी है तुम्हारी। करते क्या वैसे? मैं जिम ट्रेनर हूँ। मैं जिम में ट्रेनिंग कराता हूँ, पर्सनल ट्रेनिंग कराता हूँ, एक टाइम जनरल ट्रेनिंग कराने जाता हूँ। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क नहीं है, दोनों में ये कि इंसिटी ज़्यादा मिल जाती है लोगों को, मतलब कि अपना 100% हम दे सकते हैं इसको, सामने वाले को, कि भाई उसको मतलब ज़्यादा फोकस पर। अच्छा वो छोड़ो, गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है। खुश हो गया भाई एकदम से? खुश हो गए? बताओ यार गर्लफ्रेंड के बारे में। गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, शादी हो गई है मेरी। शादी वालों की भी होती गर्लफ्रेंड? नहीं है गर्लफ्रेंड बनाया, टाइम नहीं मिलता। तुमने गर्लफ्रेंड से शादी करी है? हाँ जी, गर्लफ्रेंड से शादी करी है मैंने। सब खुश है, सब ठीक? हाँ सब। कब शादी? 23 साल में शादी भी कर ली? नहीं मैंने 20 साल का था, मैंने शादी कर ली थी। ऐसा क्यों जल्दी कर ली? प्यार हो गया था। प्यार अभी भी बरकरार है ना? हाँ प्यार अभी भी बरकरार है, प्यार उससे अभी भी है। प्यार करते रहना, क्योंकि लेडी लक जो होते हैं ना, वो जब चमकता है ना तो आदमी बहुत ही ऊपर रहता है, बहुत ही ऊपर रहता है। नहीं वो मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरे को और काम अच्छे मिले, मेरे को और भी चीज़ें अच्छी हुई मेरे संग। कहाँ है वो अभी? अभी तो घर पे है वो। मैं घर पे आया, लेके नहीं आए ना उन्हें। फ्लाइट की टिकट टिकट लग जाती ना फिर, इसलिए नहीं लेके आए। चलो कोई बात नहीं, हमारा प्यार ढेर सारा प्यार देना। देख शर्मा था कितना भाई, तो हंसे जा रहे हैं यार अपना है भाई। देखो बॉडी बिल्डर शर्मी रहते हैं। कोई नहीं भाई, नहीं दिलशाद गार्डन का, दिल्ली का नहीं है तो मेरे साथ दिल्ली के पास में। अरे आप इनको पहचान दो पीछे, अतुल टिकले भाई हमारे। कैसे अतुल भाई? सर अभी ठीक हूँ। अब ठीक हो? सर हाँ, मतलब हम मसल बीच कर निकला एंजियो ट्रॉफी में, हार्ट के अंदर। एक्चुअली जो दो मसल के अंदर आर्टरी गई है, जब भी मैं ट्रेनिंग करता था तो आर्टरी फुल बड़ी होती थी, तो पर मसल बड़ी नहीं होती तो आर्टरी अभी पिंच हो रही थी मेरी। तो अभी उस हार्ट के सेशन चल रहे हैं सर मेरे, वो 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। और सर मैं नेक्स्ट ईयर में प्रॉमिस करता हूँ मैं मसल मीनिया एशिया खेलूँगा और जीतने की पूरी कोशिश करूँगा। पिछली बार जीते थे मसल मीनिया इंडिया, जीता था मैं, नेक्स्ट ईयर जाऊँगा मसल मीनिया एशिया के लिए। सर फाइटर आदमी है यार, हाथ भी जल गया था इनका, हाथ से भी फाइट करा, सब करा, क्या बात है। सो प्राउड ऑफ यू यार, सो प्राउड, सो प्राउड। बहुत सारे बात मिल रहे हैं सर। आपने अतुल सर को जो मतलब इनका जो मोटिवेशनल फैक्टर है इतना सारा, उनका हाथ का एक्सीडेंट होने के बाद भी उन्होंने इतना आगे गए सर, वो आपके वजह से सर को सब लोग जानते हैं। मैं एक जरिया हूँ भाई, स्पेशल थैंक्स टू यू सर। मैं एक जरिया हूँ, बट भाई की स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल थी, हम सारे इतने इंस्पायर हुए। बिल्कुल वो टाइम पे सर आपने इतना सब उनको हेल्प किया, इतना आपने पूरा इंडिया में फ्लोट किया उनको, तो उसके वजह से सर को भी बहुत मोटिवेशन मिला और सबको हमको भी अच्छा लगता है कि आपने सपोर्ट किया। पहचान में नहीं आ रहे, हीरो बन गए? अरे हीरो ही है सर हमारे, पूरा हिंदुस्तान जानता है सर के वजह से। सर काफी सारे सीनियर एथलीट्स हैं हमारे यहाँ, आप देखेंगे इस बार योगेश। यार देखो मुझे और तो कुछ दिख नहीं रहा, मुझे इनकी मूछें दिख रही हैं बहुत बढ़िया। क्या करते हो आप? बॉडी बिल्डिंग करता। और नाम क्या है? योगेश शिंदे। कहाँ से? नागपुर से। यार मूछें बहुत जबरदस्त हैं। थैंक यू सर। मैम क्रिस बम के फैन हो क्या? सीबम, सीबम सुना? हाँ सुना है ना, फॉलो करता हूँ उनको। करते हो? उनकी भी मूछें देखे हमने, उनसे थोड़ी बड़ी कर ली हमने। अच्छा तो मतलब कब, कितने सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो? बॉडी बिल्डिंग सर मैं 6 साल से कर रहा हूँ, यानी अभी तो फिलहाल तो 2-3 साल हो गए जैसे मैं प्रोफेशनली अपना कंप्लीट कर रहा हूँ। अच्छा उसके पहले तो ऐसी। वैसे क्या करते हो? वैसे मैं जिम ट्रेनर हूँ। यार जिम ट्रेनर ही सारे कम्पीट क्यों करते हैं, कभी सोचा इस बारे में? रहती बॉडी बिल्डिंग की जात रहती है ये, बॉडी बिल्डिंग की जात रहती है। अरे यार क्या बात कर रही है, ये कौन है आपके साथ? मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ये मेरी, ये भी बॉडी बिल्डिंग कर रही है। आप इनकी बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड से तो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है आपको। लग रहा हूँ तो ठीक है फिर। मैं तो बोल दिया मेरे को जो है मेरी फ्रेंड है।
अच्छा बेस्ट फ्रेंड है इनकी आप? Yes. कितने सालों से बेस्ट फ्रेंड है आप इनकी? मैं तो जस्ट अभी एक साल से मिली हूँ इनसे साथ में। शुरू पहली नज़र में ही बेस्ट फ्रेंड बन गए थे आपके? हाँ, पहली नज़र से। नेशनल वेट लिफ्टर चैंपियन है। अच्छा, तभी बेस्ट फ्रेंड है आपकी? यस। क्या तो मतलब आप दोनों की आपस में बातचीत क्या रहती है? बातचीत यही है, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, डाइट के बारे में, वर्कआउट के बारे में, आज क्या करेंगे, नया लेग्स क्या करेंगे, लेग्स में नई नई एक्सरसाइज क्या करेंगे, ये सब। ये फायदा होता है यार जब आपकी गर्लफ्रेंड, तो मतलब आप इन्हें सिखाते हैं या आपको सिखाते हैं? दोनों एक दूसरे को सिखाते हैं। इसे स्क्वाट के बारे में मुझे और सिखाती है, अच्छे स्क्वाट करने लगाती है, मोटिवेट करती है स्क्वाट करने के लिए। ये आपको स्क्वाट सिखाती है? यस, मोटिवेट करती है। वेटलिफ्टिंग नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूं। अच्छा, तो क्या पसंद आ गया आपको इनकी मूंछों के अलावा? ऐसा कुछ नहीं है, आगे का नेचर भी रहता है। नेचर मुझे लुकिंग से कुछ नहीं होता। आप कहना चाह रहे हो आपकी नेचर अच्छी है? नेचर अच्छी है, नेचर अच्छी है, इंसान अच्छा होना चाहिए, बाकी सब लोग अट्रैक्ट होते हैं अच्छे इंसान से। बात है, तो शादी का कब इरादा है? सारी वो टाइम है सर, अभी गोल बढ़े हैं थोड़े। इन्हीं से इरादा है किसी और से इरादा है? देखेंगे सर टाइम आने पे। अरे मुझे तो मुझे बॉडी बिल्डर का नेता ज़्यादा लग रहे हैं, हर बात को घुमाए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, घुमाना नहीं आता सर मेरे को, यही तो नहीं आता। घुमाना आता रहता तो यहाँ नहीं रहता था मैं। कहाँ रहता फिर? विदेश में डायरेक्ट। भाई आदमी टेढ़े हैं ये, लेकिन आप कुछ भी कहो मज़ेदार आदमी है यार, मज़ा आया आपसे मिलकर। सही सर, मटर एक दूसरे को सिखाते रहो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब अगर आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए ना, हाँ, तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो। मान रहे हो नहीं मान रहे हो? अगर सोचो अगर ये बॉडी बिल्डिंग ना कर रही होती, हाँ, आपको बोलती कि क्यों खा रहे हो ऐसा, क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मत करो, फिर वो नहीं होता था। नहीं होता ना? नहीं नहीं नहीं, आपकी टैनिंग भी कर रही है। हाँ, टैनिंग भी कर रही है ना। हाँ, तो बेस्ट फ्रेंड से तो ज़्यादा हुई ना? बेस्ट फ्रेंड तो है ना। मुझे नहीं लगता गर्लफ्रेंड कर सकती थी इतना मेरा। हाँ, गर्लफ्रेंड नहीं कर सकती थी इतना जितना ये करती मेरे लिए। तो मतलब गर्लफ्रेंड से भी बड़ा दर्जा दे दिया इन्होंने इनको। देखा भाई, शादी में बुलाना मत भूलना। बिल्कुल सर, बुलाऊंगा। शादी में नहीं बुलाएंगे। अच्छा, फोटो। ये जो बैक स्टेज कवर करने में मज़ा ना कहीं भी नहीं है। क्या नाम है आपका? विक्की पिंदम सर। विक्की पिंदम। कहाँ से हो विक्की भाई? विक्की बदनाम पिंदम। पिंदम कहाँ से हो पिंदम? चंद्रपुर। ये कहाँ पे? नागपुर या अपना गढ़चुली साइड, नागपुर के आसपास ही। हाँ, आसपास ही। पूजन करके तो दिखाओ एक बार। ये गोल्ड वाला सर, अभी फर्स्ट नंबर। हाँ हाँ, ये देखो। तो ये यहाँ का लोकल टैलेंट है। देखो गोल्ड मेडल भी दिखाएंगे अपना, पहन के दिखाओ इसको। यार मेडल तो बहुत बड़ा है यार। देखो यार ट्रॉफी भी बहुत बढ़िया है, अच्छे लेवल पे कंपटीशन करा रहे हैं। देखो मेडल भी बहुत बड़ा है, देखो आप देख रहे हो। वाह, क्या बात है। कब से कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग? छः सालों के सर। छः सालों से? क्या अच्छा लगता है बॉडी बिल्डिंग के बारे में? फिटनेस लाइन, एक पब्लिसिटी, एक खुद की पहचान के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इंस्टाग्राम हैंडल क्या तुम्हारा? विक्की पिंदम, एट द विक्की पिंदम। तो इतने घबराए हुए क्यों सर? थक गया सर, अभी बॉडी बिल्डिंग में मेरी। अभी और भी खेल रहे हो? हाँ, उसके बाद में फिटनेस मॉडल का है। अच्छा, फिर चड्डी बदल के? हाँ, और से खेल रहा है सर। मेंस फिजिक भी? हाँ, मेंस फिजिक नहीं, मसल मॉडल का सर। उसमें शॉर्ट ट्रंक हो जाएंगे? हाँ, शॉर्ट ट्रंक रहेंगे सर। देख रहे हो भाई कितनी मुश्किल हो जाती है बॉडी बिल्डिंग यार। ठीक है ना, मैं थक तो हो जाता हूँ। तो बैग कहाँ है तुम्हारा? बैग में सब कुछ खाने पीने का सामान लेके चलते सर। क्या 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 खा रहे सर? राइस, स्वीट पोटैटो और ब्राउन ब्रेड्स वगैरह। अच्छा, सब साथ में लेके चलते हैं। अच्छा, देखो सब बॉडी बिल्डर अपना बंदोबस्त करके चलते हैं। वो देखो पीछे हमारे दूसरे। क्या नाम है आपका? आशीष बीरा सर। क्या उम्र है आपकी? मेरी सर 26। 26? पक्का? हाँ पक्का। कब से कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग सर? मुझे तो अभी मतलब 6 साल हो गए, लेकिन अभी कंटिन्यू 5 साल से कर रहा हूँ, क्योंकि अभी स्टार्ट में ऐसे ही कर रहे थे। पोजिंग करके तो दिखाओ एक बार। तो तुम्हें लगता है तुम्हारी चेस्ट में थोड़ा सा गाइन हो? हाँ सर, लगता है। लगता है? लगता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि एक साल अभी गैप हो गया था, तो उसी बीच में शायद मैंने कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी वजह से मुझे लगता है ऐसा कुछ। क्या प्रॉब्लम हुआ था? PCT ठीक से नहीं होती सर। अच्छा, PCT ठीक से नहीं, उसी कारण लगता है सर मुझे कि ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, तो इसके लिए क्या करें ठीक करने के लिए? अभी तो कुछ नहीं सर, अगर देखते हैं अगर इस PCT में अगर निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उतना प्रॉब्लम तो नहीं है सर। नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट कंपटीशन में थोड़ा अजीब दिखता है। बराबर, अलग अजीब दिखता है। हाँ, वो तो है। तो इसके लिए क्या करते हो तुम ठीक करने के लिए, मतलब इसको कवर करके कैसे कैसे करते हो? अभी तो सर वो इस टैबलेट वगैरह जो कौन सी टैबलेट एनेस्ट्रोजोल वगैरह शुरू है।
गाइडेंस में करते हैं ऐसे ही अपने? नहीं नहीं सर, गाइडेंस में करते हैं। इसको ये भी ठीक हो सकता है, बॉडी बहुत अच्छी है, बस वो थोड़ा सा गहरा है, वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं, शुरुआत है ये। हाँ। अगर यहाँ फिक्स हो गया तो फिक्स हो जाएगा। बट ऑल द बेस्ट है तुम्हें। ओके सर, अभी हमारा ग्रुप हो चुका है ऐसे। क्या क्या आया? फर्स्ट रैंक है सर। हाँ फर्स्ट, क्या बात। फिर तो खाना पीना बनता नहीं बनता भाई? सर बनाना वगैरह तो रखे हैं सभी। देखो पीछे पूरे केले खा चुके हैं ये देखो, केले, वाइट राइस, ब्राउन ब्रेड सभी है, सब लेके चलते हो? लेके चलते हैं, बैग कैरी किया था। बात है अमेजिंग, ऑल द बेस्ट है भाई। अब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए बहुत जल्दी में हो भाई, अरे भैया तो बहुत जल्दी में हो भाई, जो भी जाना मेरा शो है। हाँ तो हमने रोका तो हो ना तुम्हें, हमने कहाँ रोका भाई को। क्या नाम है आपका? राज सुरेश अटका पुरवार। राज सुरेश अटका पुरवार कहाँ से हो? चंद्रपुर। ये बड़े भैया है? अच्छा ये बड़े भैया हैं। अच्छा तो तुम कब से कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग? 6 साल हो गए। जिम ट्रेनर हो? हाँ। शादीशुदा हो? नहीं नहीं। करने का इरादा है? नहीं, टाइम है। कितना टाइम? 3 साल। 3 साल। अच्छा टाइम भी पता तुम्हें? 26 साल। तो 29 में शादी करें? लड़की ढूंढ रखी है? हाँ ढूंढ रखी है। उसको बोल रखा है 29 में शादी। कितने फोकस्ड होते हैं बॉडी बिल्डर, 3 साल बोल रखा है तो 3 साल बाद ही शादी होगी। हाँ बात है यार। तो अभी होगी कंपटीशन? होना भी चालू है, जा रहे करना है। पंप कर रहे हो बॉडी? हाँ। पंप कैसे करते हो? पंप ये रोप से करके दिखाओ एक बार, पंप कैसे करते हैं बॉडी? देखो जरा, दिखाओ जरा, ये तो कैसे होती है पंपिंग, ये देखो क्या बात है। क्लोजअप करिए, देखिए ये देखो, करना जरा पोजिंग करना वो। हाँ लाइट है। हाँ भाई के चेस्ट फाइबर्स भी हैं पूरे। ऑल द बेस्ट है यार, अच्छी फिजिक लगी। एक भाई के साथ आप थोड़ा फोटो लेंगे? आइए आइए, फोटो मोबाइल मोबाइल अपने, फॉलोअर्स कह लो, सब्सक्राइबर्स कह लो जी। तो वो इन स्टोरीज की वजह से, इन एथलीट की स्टोरीज की वजह से, तो अगर इन एथलीट की स्टोरीज सामने आएगी ना जी, उनको जैसे अतुल टिकले सबसे बड़े एग्जांपल नहीं है जी। थैंक्स टू यू सर, आपकी वजह से सर मुझे सब लोग पहचानते हैं और ये सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। अरे नहीं यार, ऐसे सर मुझे सर हर शहर में अतुल टिकले यार आप जी, जी 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 सर सही। तो बस मेरा मिशन यही है कि हर अतुल टिकले को बाहर निकालना है मीडिया फॉर द एथलीट्स। करेक्ट भाई। तो बस अब क्या सर, नेक्स्ट ईयर सर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मसल में एशिया में जाऊँगा और सर मैं उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं अतुल भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आदमी इतना फाइट करके यहाँ तक आया ना वो कुछ भी कर सकता है। काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है सर, अभी आप यहाँ पर आए ना सभी को ऐसा एक्साइटमेंट चढ़ गया है। कॉम्पिटिशन तो हज़ारों होती है सर, ये सिर्फ नागपुर शहर में इस बार कम से कम 25 कॉम्पिटिशन होगी और जहाँ पर आप जैसे स्टार सबको मोटिवेट करने इस बार मैं आते हैं। परेशान इसलिए होता हूँ, लोगों का प्यार इतना होता है ना वो मेरी फोटो में जी, तो मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फीचर करूँ क्योंकि इनको लोग जानेंगे, इनको लोग देखेंगे जी, तो और इनको प्यार मिलेगा। प्यार क्या पता कोई स्पॉन्सर मिल जाए जी जी, राइट, कोई exactly. एक, एक, एक जरिया मिल जाए, सोर्स ऑफ इनकम सपोर्ट हो जाता है। हाँ तो इसलिए मेरा फोकस हमेशा ही रहता है कि यार इसको भी पकड़ लो, इसको भी कर लो, इसको भी कर लो। Perfect. तो ये है, तभी मैं ज़्यादा आपने देखा होगा ना मेरा फोकस रहता हूँ कि ये करना है मुझे। तभी मैंने कहा बैक स्टेज चलते हैं, वही करते हैं। तो मेरे को स्टेज पर इतना वो नहीं होता कि वो तो बेचारे बिजी हैं स्टेज पर, लेकिन यहाँ पर असली आपको दिखेगा, यू गेट टू सी द रियल थिंग। उनकी मेहनत, उनकी स्ट्रगल, नर्वसनेस। मैं भी नोट कर रहा था कि आप सबसे ज़्यादा एथलीट्स को जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं, एथलीट्स को उनकी स्टोरी पूछ रहे हैं, जैसे आपने उनको वो उनके लाइफ के बारे में पूछा, हैंडीकैप को पूछा, अच्छा लगता है सर, काफ़ी इंस्पायरिंग। मैं कह रहा हूँ ना हर शहर में अतुल टिकले, सिंपल बात है जी, उनको निकाल दिया आपने बाहर, आपका काम हो गया है जी सर। वो मेरे दोस्त कहते हैं ना वन लाइफ वो कहते हैं, नहीं मैं उनकी सिर्फ, लेकिन मेरा गोल है वन चेंजिंग वन लाइफ एवरी डे। ग्रेट ग्रेट सर। एक लाइफ अगर आप रोज़ बदल दोगे आप 365 लाइफ बदल सकते हो, 365 लाइफ। तो बस उसी गोल पर चल रहे हो सर, जबरदस्त अच्छा लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ अरे बहुत जबरदस्त, ये पक्का ना कर, ये चीज करना यार, एज एज मत बोला करो मेरे को भाई अच्छा लग रहा हूँ ना, बहुत कूल बहुत। बस मैं एक चीज से मार खा गया, ऐसे बालों से मार खा गया, बाकी सब ठीक है यार, बालों से खा गया मैं मारा, चल कोई नहीं तभी मैं छोटे रखता हूँ बाल, क्यों अपना स्टाइल है, अपना तो इलाज ही नहीं ना बालों का, बालों में तो फिर ऐसे बाल, पर ठीक है दुखती दुखती रख पे क्यों करना है। चलो गॉड ब्लेस यू भाई, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बट अमेजिंग अमेजिंग ऑडिटोरियम, सो गुड टू सी, मजा आ गया। गडकरी अब इनको देख के कोई कह सकता है आर वी क्लासिक यही करा रहे हैं?
देखो पर्सनालिटी देखो भाई की, छोटे से दिखते हैं, प्यारे से दिखते हैं, हंसी रहती है हमेशा चेहरे पे। पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा इवेंट कराया आपने, इतना अच्छा ऑडिटोरियम। वो दूसरे रोहित है। ये आप दूसरे रोहित हो? आपका नाम क्या है सर? रोहित पांडे। रोहित साहू कहाँ है? सामने। रोहित साहू कहाँ है? वो भी है आगे। उनको भी बुलाइए ना। वो इवेंट पे है। अच्छा, वो तो अभी मोस्ट वांटेड होंगे। अच्छा अच्छा, ये दूसरे रोहित हैं। देखा धोखा खा गए थे हम। हाँ 2.0 है। हाँ बढ़िया। फोटो कहाँ है? हाँ हेलो, कर रहे हैं टैनिंग? कर रहे हैं? इनका टैनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हो भाई, क्या कुछ गिर गया क्या? नहीं नहीं। हाँ यार तेरे से छोटा हूँ यार। ओके गाइस, मेरे साथ खड़े हैं, क्या नाम है आपका? शिवराज धुमाल। शिवराज? यस। क्या करते हो शिवराज? कॉलेज चालू है। कॉलेज चालू है? हाँ। बॉडी बिल्डिंग। बॉडी तो दिखाओ, पोजिंग करो ना एक बार शिवराज, पोजिंग तो करके दिखाओ यार। क्या बात है यार, जबरदस्त। कितने साल के हो? 21। कॉलेज में? कॉलेज में जाते हो कि लड़के उड़के खूब इंप्रेस करते हो? कॉलेज में अभी बॉडी बिल्डिंग की वजह से थोड़ा मतलब जाना ना होता ना। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग की वजह से कॉलेज ही नहीं जा रहे हो? अभी पूरा शो चालू है, प्रेप सुबह शाम को। मुझे लगता था मेरी ऐसी बॉडी होती, मैं तो रोज़ कॉलेज में टाइट टी शर्ट पहन के जाता। नहीं जाते तुम? नहीं जाते सर, रोज। यही प्रॉब्लम होती है बॉडी बिल्डर की, जिसकी बॉडी होती है उसको समझ ही नहीं आता क्या करना है बॉडी के साथ, है ना? अभी पूरा फोकस बॉडी बिल्डिंग में। टैनिंग करा रही हो मैडम? टैनिंग कर रहे सर। मैडम कौन टैनिंग कर रहा है? कोच, क्या क्या नाम है कोच साहब आपका? अभिजीत सावन। सावन, अभिजीत सावन सिंगर विंगर हो क्या? नहीं नहीं सर, मैं भी बॉडी बिल्डिंग हूँ अभी। अच्छा। सर फिलहाल ऑफ सीजन चल रहा है। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही बड़ा ऑफ सीजन लगना चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गेन कर लिया? नहीं सर, शेरू क्लास ही खेलना है जिम का, इसके वजह से गेनिंग चल रहा है उसका। अच्छा, तो मैडम चालू है जेंट है ना आपका? करो ना फिर। देखो यार, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ एक लेडी जब टैनिंग करती है, मुझे बताना कैसी फील आती है ज़रा, बताओ ज़रा कैसी फील आ रही है? इन्होंने पहले भी किया है मेरे टाइम। पहले भी किया है? हाँ। फील सेम है? हाँ। यार मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार बॉडी बिल्डर कितना शर्मा जाता है जब लड़की टैनिंग करती है, देखो है ना, शर्मा रही होगी? मैं कुछ नहीं ऐसे। हाँ नहीं यार, शर्म नहीं। आपको कैसा फील होता है, आप कितनी टैनिंग कर चुके हो अब तक? मैं 2017 से टैनिंग करती हूँ। हाँ। आपको सबसे फेवरेट बॉडी किसकी लगी मेरे अलावा? हाँ कोई भी नहीं। किसी की बॉडी अच्छी नहीं लगी? किसी की भी नहीं, कोई भी नहीं। मतलब आप कहना चाह रहे हो उनकी बॉडी अच्छी नहीं है? इनकी अच्छी है बट मेरे को नहीं लगती अच्छी किसी की। तो के बॉयफ्रेंड है आपका कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बट नहीं लगती। देख लो यार, नाम क्या आपका? अश्विनी। अश्विनी को किसी की बॉडी पसंद? क्या अब तक कितने टैन कर चुकी हो तुम? लाइक 1 million के ऊपर गए होगे, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ बॉस शोज किए मैंने 2016 से। मतलब 10 लाख बॉडी बिल्डर तो नहीं होंगे, मतलब 1 मिलियन ज्यादा हो गया? उससे भी ज्यादा हो गए। मतलब 10 लाख में से एक बॉडी भी पसंद नहीं है आपको? आते मतलब ऐसा कोई फेवरेट सिंगर नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द एक ही पसंद है मेरे को, संग्राम सर, सम्राट सर। मैंने देखा अभी आपका पांव लगा तो आपने इनको चूमा, मतलब आपने ऐसे किया? हाँ, तो हम लोग के महाराष्ट्र लोगों में ऐसा होता है, किसी को पैर लगता है तो उसके पैर पड़ने का अच्छा नहीं होता। वेरी नाइस यार, तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। बट तो बॉडी किसका अच्छा लगता है? सम्राट जी का अच्छा। सम्राट सर का मेरे को बहुत पसंद है बॉडी। अच्छा, उनके अलावा कोई अच्छा नहीं लगता? नहीं, कोई अच्छा नहीं लगता उनकी। 10 लाख लोग और सिर्फ एक ही बॉडी, सम्राट भाई की बॉडी अच्छी। डिस्करेज कर रहे हो आप हमारे भाई को? ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मुझे उनका बिहेवियर एंड ऑल बहुत फ्रेंडली एंड ऑल है। नहीं नहीं, मैं तो बॉडी की बात कर रहा हूं। 99 तो उनकी बहुत अच्छी है। इनकी मजेदार नहीं? इनकी भी बहुत अच्छी है, मजा नहीं आया इनको? सम्राट भाई, एक्चुअली मैम ने मुझे बताया ना कि ऐसा ऐसा शो है, इधर आओ करके ऐसा। अच्छा। हां, बॉडी तो अच्छी लगती नहीं इनको आपकी? अभी उन्होंने ही बताया इधर आके खेलो करके ना, कि अच्छा लगता है। मतलब वो डिजर्व करते हैं ना, कोई एथलीट कोई चीज डिजर्व करता है तो उसको प्लेटफॉर्म भी वैसा मिलना चाहिए कि जो डिजर्व करता है कोई अवार्ड, तो उसके हिसाब से पहले उनको बोला कि ये शो उनके लिए अच्छा है, तुम खेलो, तुम डिजर्व करते हो तो तुम्हें मिलेगा। वो हार्ड वर्किंग इतना टाइम से कर रहे हैं, इनको तो जज बन जाना चाहिए। जितनी टैनिंग इन्होंने करी है लाइफ में किसी ने नहीं करी होगी। लेट्स डू अ स्टोरी ऑन दिस। ओके आओ, हो गया जी, फोटो हो गया। अरे भाई, वाजिद भाई करते क्या, क्या करते हो वाजिद भाई? जी मेरा सप्लीमेंट शॉप है। अरे अब तो कंपटीशन खत्म हो गया, आवाज़ निकालो, अब तो खाने पीने का टाइम आ गया नहीं आ गया? जी मेरा सप्लीमेंट शॉप है। कंपटीशन खत्म हो गया ना अब? जी।
अब खाओगे पियोगे? हाँ। अब पहले ये बताओ क्या खाओगे अभी, सबसे पहले क्या खाओगे? सबसे नहीं, अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन खेलना है। नेक्स्ट मतलब कब? आज ही? नहीं आज नहीं है, अपना चार दिन बाद है, तो इसलिए थोड़ा कंट्रोल पे रहूँगा। अच्छा, तो कुछ नहीं खाओगे आज? नहीं, देखो भाई, एक चीट मील किया हूँ मैंने। क्या खाया? मैंने बिरयानी खाया हूँ। मुझे पता था ये बिरयानी ऐसी होती है, बिरयानी खा के भी बॉडी बन जाती है ऐसी। देखा भाई, तो मुबारक हो भाई जी, ऐसी मेडल लेके आते रहो, क्योंकि जो लोकल बॉडी बिल्डिंग होते हैं ना कॉम्पिटिशन, इनको जीतने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। गोल्ड आया? गोल्ड है। किस किस कैटेगरी में? कौन सी? 65-70 में गोल्ड। देखा भाई, दिस इज़ अमेजिंग, ब्रिलियंट, प्राउड ऑफ यू भाई, लगे रहो। आवाज़ नहीं निकल रही है अभी, चार दिन बाद फिर कॉम्पिटिशन। तो इस कंपटीशन का लेवल ही अलग है भाई। लाइट्स लगा रखी हैं, हर एथलीट की फोटोग्राफ्स, हर एथलीट की फोटोग्राफ्स की, मतलब उनके पास एक यादगार मेमोरी रहे हर एथलीट की फोटोग्राफ्स। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जीता नहीं है या फिर कोई हार गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें सारे लोगों की फोटोग्राफ्स है यार। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आई थिंक जितने भी जो लोकल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है ना, दे मस्ट अडॉप्ट दिस। क्यों? क्योंकि बॉडी बिल्डर इतनी मेहनत से तैयारी करके आता है और उसको एक यादगार चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए। पहले अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम आशीष डुले है। आशीष डुले फोटोग्राफी। यस, है ना भाई? देखा, हम सब जानते हैं भाई को। तो इन्होंने सेटअप लगा रखा है यहाँ पे, आप देख रहे हो। तो आई थिंक एवरी कॉम्पिटिशन में ना ये हो जाना चाहिए, थोड़ा सा प्रमोटर एक पैसा लगाए और एक ऐसा सेटअप तैयार कर दें ताकि उनको, इसे कहते हैं ना यार, एक यादगार फोटोग्राफ मिले, एक मेमोरेबल फोटोग्राफ। वही है कि एक बार फोटो निकालने के बाद में सर वो आगे वाले को भी याद रहे कि लाइफ टाइम कहीं पे तो भी निकाले थे। ये टूले साहब ने हमारी फोटो खींची थी। क्या बात है, मुझे कह रहे हैं मैं आपकी फोटो निकालूंगा। मैंने कहा भाई फोटो निकालने का तो फिर निकाल ही लेते हैं भाई। आओ आइए सर, पक्का निकाल। आओ निकालो। अरे भाईजान, क्या नाम है आपका? रोहित शाह। हम तो छेड़ रहे हैं आपको। एक भाई है ना हमारे, रोहित साहू भाई, कैसा लग रहा है भाई कंपटीशन करा के? बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी बारी साल में? हाँ, दूसरा कंपटीशन कराया अपनी बेटी के नाम पे। बेटी के नाम पे है ये, 2020 में हुआ था, फिर लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद अभी हो रहा है। पहले तो मैं आपको ढेर सारी मुबारक दूंगा, आप इतना सोचते हो एथलीट्स के बारे में। थैंक यू सर। ये वाला कॉन्सेप्ट यार कि एक फोटोग्राफर आपने यहाँ पे हायर कर लिया और सबकी फ़ोटोग्राफ खींच रहे हो, ताकि क्योंकि जब मैं कम्पीट करता था तो उस समय कि मेरे पास में कुछ भी फ़ोटोज़ नहीं है और मैं वो चीज़ें मिस कर देता था। इस वजह से मतलब हर एक बॉडी बिल्डर का भी के साथ भी ऐसी होता है, कभी उसको कोई कंपनी वाला फ़ोटो मांगता है तो उसके पास कोई हाई क्वालिटी पिक्चर नहीं होती, वो मोबाइल की मतलब बहुत कम लो क्वालिटी वाली केबी वाली फ़ोटोज़ देता है। तो उस वजह से मेरे को ये चीज़ बहुत खलती थी। ये चीज़ मैंने उनके लिए की है कि ताकि वो आगे प्रमोट हो सके। यार ये जो है ना सब भाई, ये हर लोकल कॉम्पिटिशन में होनी चाहिए कि एक इतनी मेहनत तैयारी करके एक लड़का आता है, उसको क्या चाहिए? एक अच्छी हाई रेजोल्यूशन एक फोटोग्राफ। और ऐसा हमारा आशीष भाई जैसे फोटोग्राफर, फेमस फोटोग्राफर, मतलब ऐसी शक्ल वाले को भी अच्छा बना देते हैं। अरे सर, अरे मैं बोलते ही इसलिए हूँ, आपको ना स्टेज पर हमने अनाउंस किया है, आप प्लीज चलिए। यार मैं स्टेज वाला आदमी नहीं हूँ, बैक स्टेज वाला। अरे चलिए, तो आ जाइएगा। आता हूँ, आता आता वो लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि प्राइस के लिए। अच्छा, आता ये गाना किसने चूज किया था?
सिद्धांत भाई को तो सब जानते हैं, राइट? इससे ज्यादा पेशेंस तो किसी आदमी में राइट। 8 साल
जो शख्स एक ही स्टेज पे जाके कंपीट कर सकता है और सेकंड थर्ड तालियां बनती है और फाइनली 8 साल के बाद जब वो जीतता है ना, देख लो आज भी मैं बात कर रहा हूँ कि आंखें भर गई हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है। सो ये जो दोनों लोग खड़े हुए हैं ना यहाँ पे, ये हमें लग रहा है कि ये IFBB प्रो से जिनकी मेहनत है, सल्यूट यार। I request you, Samrat sir, Imran sir, please come on stage. Hasbuddin sir, Saibi sir, please come on. बहुत मेहनत, बहुत sacrifices करते हैं। Samrat sir ने यहाँ पे दुबई में से छोड़े, विनर, अमिया। तो बड़ी जद्दोजहद करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद मैंने पकड़ लिया राहुल को। ये हाथ में नहीं आता है भाई, 4 साल पहले हाथ में आया था, फिर नहीं आया है। जब से IFBB प्रो बना, तो पहली बात तो ढेर सारी मुबारक। थैंक यू वेरी मच, आपको भी बहुत बहुत कि आप इंटरव्यू ले रहे हो। मेरा टाइम मेरे पास था नहीं, मैंने आपको बताया था गुरु जी, बट मज़ा आया देख के। बॉडी बिल्डिंग मैंने कॉम्पिटिशन देखा तुम्हारा, वो शेरू क्लासिक देखा, मैंने कहा हर चीज़ होती है कितनी अच्छी के लिए होती है ना यार। हाँ वो तो है ही, इंजरी हुई सबसे बड़ी चीज़ मेरे लिए, इंजरी हुई, जीता जागता तो टांग की इंजरी हुई। अब मुझे याद है मैंने वो वीडियो देखा था, लेग्स छोटी हो गई, ये मेरा लेग्स की लेग्स तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इस बार इमेंस फिजिक की ट्राई करता हूं। 45 डेज बचे थे मेरे पास खाली, तो मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा ना, आप बैठ के तो कुछ होगा नहीं, तो 45 डे में तैयारी करी और सडनली प्रो कार्ड मिल गया, पता ही नहीं चला कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। यार एक बात बताओ यार राहुल, 45 डेज में प्रो कार्ड है ना, मतलब क्या फील होता है यार कि मतलब इससे बड़ी तो कुछ इंडिया में कुछ है ही नहीं। वो तो आपको बहुत से लोग बोलेंगे तुक्का लग गया, लेकिन शायद मैंने जो 10 साल मेहनत करी थी पीछे की उसका फल है। एकदम से तुक्का नहीं लगाया 15 दिन का, ये तुक्का 10 साल से लगता आ रहा है, जब जाके ये 10 साल बाद। तुक्का तो वो होता है ना कि जब लड़के साथ में ना हो। नहीं, कईयों के लोगों के बताया कि तुक्का लग गया, तो मतलब इसकी किस्मत अच्छी है कि फर्स्ट शो में ही खेला और फर्स्ट शो मेरी किस्मत, वो उनको एक दिन तो दिख रहा है, लेकिन जो मैंने 15 साल का स्ट्रगल पीछे किया ना, वो कहते हैं ना 15 साल की रातों जो स्ट्रगल तपस्या करी है वो मिला मेरे को। कहते हैं ना लोग कि यार ये तो रातों रात सुपरस्टार बन गया, लेकिन ये नहीं पता कि भाई वो रातों रात का फेम पाने के लिए कितनी रातें गई हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं राहुल को कम से कम 4-5 साल से जानता हूँ, देख रहा हूँ। मैंने आपके चैनल पे बोला था कि मैं ओलंपिया जाके रहूँगा। हाँ बोला था। और मुझे ये भी याद है कि इन्होंने अपनी बड़ी हार्ट वार्मिंग स्टोरी शेयर करी थी अपनी वाइफ के बारे में, हर एक के बारे में, कि कैसे ये यू नो छोटी सी उम्र में इनकी शादी हो गई। मैं एजुकेशन भी कर रहा था, साथ में पढ़ाई भी कर रहा था, और फिर कुछ काम भी करना था, और पार्ट टाइम ही जॉब कर सकता हूँ ना, तो पार्ट टाइम तो कुछ मिलेगा नहीं, तो ऑटो ही मिला तो वही चला लिया, और अपना और ना अपनी पढ़ाई भी पूरी करी। और यार राहुल इतना प्राउड है ना मुझे इस चीज़ को लेके कि यार कोई आदमी कुछ ठान ले कुछ भी कर सकता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और मतलब मैंने जहाँ तक सुना है हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, हम वही सोचेंगे जो हम कर सकते हैं, नहीं तो हम अदरवाइज वो नहीं सोचते लाइफ। और मैं ना आई वांट टू कंग्रेचुलेट मुकेश भाई, मुकेश गहलोत जी, कि यार देखो वो लड़के, मैं तो मानता हूँ वो एक मशीन है, लड़के तैयार पे तैयार करते हैं, मतलब उनके पास कोई फार्मूला मुझे लगता है ना, वो मेहनत का फार्मूला है, जो 4-5 साल टिक गया उनके पास तो बंदा बन गया मेरे जैसा। नहीं तो जो आते हैं बहुत से 2-4 महीने में कि सोचते हैं गुरु जी के पास जादुई छड़ी घुमाएंगे चले जाएंगे, फिर बोलते हैं हमें गुरु राहुल भी ऐसी बॉडी चाहिए, बोले राहुल ने 8 साल दिया 5 साल दे दो। यार मैं ना मैं उनके जिम भी गया था और मैंने देखा है बड़ा बेसिक सा जिम है, लेकिन लड़के लगे हुए हैं यार, लगे हुए हैं, और एक से एक लड़का टॉप एथलीट। वहाँ पे मशीनें भी ज़्यादा नहीं है, रो है सारी चीज़ें, आपको वहाँ पे कोई भी पैक डेक फ्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है ना ही आपको। अब तो गुरु जी बैग वाली वो मशीन लेके आ गए लो रो वाली, नहीं तो पहले वो भी नहीं थी, फिर हम सिटी ड्रॉइंग पे ही करा करते थे सारी चीज़। मुझे एक बात जाननी है, अपने लिए जाननी है यार, गुरु जी को तो मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, गुरु जी मुझे उतना ही प्यार करते हैं क्या? हाँ हाँ गुरु जी सबको प्यार करते हैं, क्योंकि मेरा तो उनसे बहुत प्यार। नहीं नहीं बिल्कुल गुरु जी, चाहे वो हो भूपेंद्र धवन जी हो, हाँ मेरे तरीके शायद उनको थोड़े अटपटे लगते हो मेरे, राइट? वो जो चीज़ आप कह रहे हो ना वो आपके लिए नहीं थी, वो जिस चीज़ के लिए थी वो बंदा समझ गया, और मैं आपको बता नहीं सकता बस यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि क्या है ना आजकल लोग पता है कुछ भी कंट्रोवर्सी बनाते रहते हैं, इसको थोड़ा सा हटा भी बताता हूँ आपको। तो ये हम ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे, बट एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें राहुल के बारे में। मेरे को ना ये बहुत सुनने को मिलता है, ऑलमोस्ट डेली सुनने को मिलता है, भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैंने ब्रेड खा खा के ट्रेनिंग करी है, 4 साल
ब्रेड और चाय, मक्खन ब्रेड खाया, चाय पी और जिम चला गया शाम को। और वहाँ से आया तो 10-12 केले खाते हुए घर आ गया, 5 रुपये का दूध लिया, ऐसा लगता था कि मैं, मेरे से तगड़ा कोई है ही नहीं। क्या होता है कि आपकी सोच ही आपको छोटा बनाती है कि मेरे पास खाने को नहीं है। जब आप कोई चीज़ करते हो ना तो सडनली सारी चीज़ें होती चली जाती है, कहीं ना कहीं से आपका सोर्स ऑफ अर्निंग होता। आप मसल तो पीटो कम से कम 5 साल, जब खाना डालोगे ना बॉडी में तो जो आपने 5 साल मेहनत करी है तो वो आपकी एक ही बार निकल के आएगी। और ऐसा राहुल जो निकल के आई वो, हाँ, देखो आप, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, तुम्हें नहीं पता इसका क्योंकि वो पॉडकास्ट आया नहीं अभी। मेरी भुवन से बात हुई, भुवन से मैंने पूछा कि यार भुवन आपको क्या लगता है यार डेली प्रो शो में कौन है आपका कंपेरेटर जो कट्टर है, खुश हो जाओ। सीखने को मेरे को बहुत मिला। और भुवन सेड राहुल थर्ड आया था, ही इज़ गुड, राहुल इज़ गुड। फिर मैंने पूछा हैरी संदूपा जी से, मैंने कहा पाजी आपको क्या लगता है कौन है जो डेली प्रो शो में कुछ कर सकता है, कहते राहुल। फिर मैंने अतिंदर पाजी, अभी आपने तो फेमस कर दिया मेरे को, आप सारे मेरी बात कर रहे हैं। मैं बोला चलो तरुण पाजी से एक, तभी तो मैं कह रहा हूँ थैंक यू मैं आपको बहुत मतलब फेमस करने का, पहले भी आप नहीं करा था और अभी भी आपके वजह से ही लोग मेरा नाम ले रहे हैं। और मैं आज यहाँ पे जो भी आया हूँ ना, फर्स्ट टाइम आया हूँ और अब बहुत जगह जाने वाला हूँ सिर्फ आपकी इस इंटरव्यू की वजह से। थैंक यू। नहीं भाई देख, एक राहुल देखो तुम डिजर्व करते हो, लेकिन लोगों तक बातें तो आप पहुँचा रहे हो ना, जब तक पूछोगे नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो हर बंदा मेरा नाम लेगा तो पब्लिक के नज़रों में कहीं ना कहीं तो राहुल है कौन, ये एक बार खोल के देखता है वो जरूर। और ना मैं हमेशा बात बोलूँगा, और मैंने ना, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये तुम्हारी बॉडी बोल रही है, तुम्हारी मेहनत बोल रही है, वो 4 साल जो ब्रेड दूध तुमने खाया ना ये वो बोल रहा है। और मैं एक बात बताता हूँ, जितने भी जो कोचेज हैं ना इंडिया के टॉप कोचेज, सबकी जुबान पे तुम्हारा नाम है, क्यों यू, उनका एक ही जवाब होता है। मैं कंपेयर करता हूँ, अगर तुमने वो पॉडकास्ट देखा है हैरी संदूपा, सब देखता हूँ आपके, उन्होंने, मैंने सबकी फ़ोटो दिखाई, मैंने कहा डेल्टा दिलीप व्हाट डू थिंक, उनका जवाब 8-10 किलो ऐड करना चाहिए तभी डेली प्रो शो। मैंने कहा राजा जीत 8-10 किलो ऐड करना चाहिए, मैंने कहा मनोज पाटिल, कहते एक्सट्रीम है कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा सिद्धांत जायसवाल, कहते अभी अभी जीते हैं बैक पे काम करना है, थोड़ा सा बैक पे काम करना है, मैंने कहा राहुल ले सकता है लड़का, ये लड़का लेके जा सकता है। कोई भी जो भी मैंने आपके ब्रॉडकास्ट देखे उसमें हर कोच यही बोल रहा है कि वो यही बोल रहे हैं कि इसको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ी वन तक बोल रहा है, प्रेशर आ रहा है पर तो मेरे को बहुत प्रेशर है। और मतलब लोगों की इतनी उम्मीद है ना, मेरे पास कोई वो नहीं है, मतलब क्या बहाना नहीं है मेरे पास, क्योंकि दुनिया मेरी बात कर रही है और आप में बैठ गया ना तो फिर बहुत गालियाँ पड़ने वाली है। पता है क्या, और इस साल मैं क्वालिफाई जरूर करूँगा चाहे मुझे 6 से 8 शो खेलने पड़े। पता है क्या है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ में, मैं बता, तो तुक्का नहीं है जो रेस होती है ना, मैं एग्जांपल दूंगा वो अपने पे मत लेना, घोड़ों की रेस होती है ना, घोड़ों की रेस में ना एक डार्क हॉर्स होता है, वो रेस में नहीं, वो कोई नहीं देखता उसको, वो आता है पीछे से जीत के चला जाता है, तो तुम वो डार्क हॉर्स हो। अब क्या हुआ, तुमने किसी ने सोचा, तुमने खुद नहीं सोचा होगा तुम प्रो कार्ड जीत जाओगे। गया ना खेलने के लिए तो आगे अरविंद स्पार्टकस जो है ना, वो तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मेरी बात होती है, तो उनको उस टाइम तक जानता नहीं था, वो आगे खड़े थे, मैं अपने दोस्त को बोला ये तगड़ा है, ये खेल सकता है, मैं क्यों नहीं खेल सकता। मैं बोला अगर इसको उतारेंगे तो मुझे भी उतारेंगे, मुझे उतारेंगे अगर इसको नहीं उतारा तो मैं भी नहीं उतरूंगा, तो मैं खेलूंगा फिटनेस भाई। तो मैं उसके सामने खड़ा हुआ और वो भाई का तो लगा नहीं, चलो बैड लक है भाई, बहुत अच्छी कंडीशन है उनकी, लेकिन भाई लक मेरा लग गया और आपके सामने। ये लक नहीं है राहुल, तब तो ये तो पहला कहना छोड़ दो, ये लक है, लक उनको होता है जिनके पास कुछ नहीं होती, मेहनत के साथ लक काम करता है, राइट। हाँ, ये तो दूसरी बात, दूसरी बात, अब तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, अब राहुल को सबको पता है कि यार ये कुछ करेगा, अब एक्सपेक्टेशन है, पहले एक्सपेक्टेशन नहीं थी, नहीं बिल्कुल नहीं थी, अब हो गई है, अब एक्सपेक्टेशन है। डबल मेरे को इंजरी होने के बाद भी मैं हैवी जा रहा हूँ कि नहीं मुझे अपना बेस्ट देना है, इस बार इससे भी अच्छा बेस्ट देना है, और भी कमर को नैरो करना है, राउंडनेस बॉडी में अच्छी लेके आनी है, और हार्ड और ड्राई लुक ले, तो सारी चीज़ें गुरु जी भी कर रहे हैं और मैं अपनी तरफ से भी जो मेरे से हो सकता है, बहुत सारे कोचेज हैं जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी मैं बहुत सारी चीज़ें पूछ के। एक सवाल और मेरा था यार, यार बादल भाई को मैं जानता नहीं हूँ, मैंने बादल उपरेती नाम है उनका, पता नहीं मेरे बारे में वीडियो बनाते रहते हैं यार, कोई प्रॉब्लम है उनको मेरे से, प्रॉब्लम है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ यार। देखो मैं सडनली वो गुरु जी के चले में बोलना तो खैर बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन वो मैसेज गलत चला जाएगा। नहीं नहीं मैं समझता हूँ, आप अपना काम ठीक कर रहे हो, हम जो भी करते हैं ना, जो हमको पसंद है वो करते हैं। अगर बादल भाई देख रहे हैं थ्रू राहुल भाई, भाई अगर आपको मेरे करने का तरीका अच्छा लगता तो भाई सॉरी है, हम एक इंडस्ट्री में सारे मिलजुल के रहे हैं, राइट।
हम किसी को भी जज करने वाले हम कौन होते हैं। हमारा अपना माइंड है, हम अपने माइंड से काम करते हैं। जैसे भी आपको पता है कि कैसे ग्रो होनी है इंडस्ट्री, ऐसे मेरे को पता है। अब हम किसी का क्रेडिट खा के हम ऊपर जाने की सोचे तो वो भी बुरा है। तो गालियाँ उल्टी उनको ही पड़ती है जो दूसरे की बुराई करते हैं। वो बोलेगा जब भाई किसकी बुराई कर रहा है तो कल को मेरी भी कर सकता है, है ना। जैसे मेरा स्टूडेंट कोई टीचर मेरे पास आता है, कोई बच्चा आता है कि जी वो तो बहुत बुरा था, हमारे पैसे काटता था। मैंने कहा कल को मेरे को भी बोलेगा। तो ये सबके ऊपर लागू होता है, जो आपकी बुराई कर रहा है वो मेरी भी कर सकता है ना। तो इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। मैं ना राहुल को एक ही बात बोलूँगा यार, दिल्ली प्रो शो आने वाला है, सबकी नज़र राहुल पे है, हम सबकी नज़र राहुल पे है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा प्रेशर लो, मैं कहता हूँ मुझे इस चीज़ की खुशी है कि तुम्हारे इनकम के सोर्सेज खुल गए। मैं बहुत बिजी हो गया अभी, देखो तीन भगवान की कृपा से परमात्मा जो भी है बहुत काम आ गया। जब से प्रो शो जीता है इसके बाद तो फ़ोन बंद करना पड़ता है 3-3 घंटे के लिए मेरे को, शाम को सोना है तो रात को सोना है तो। यार यही मैं कहता हूँ ना, मैं रोज़ यही सोचता हूँ कि यार अगर एक इंसान की आप लाइफ बदल दो ना। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन अभी मैं बहुत बढ़िया सरप्राइज़ दूंगा, अपनी ही एक चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ। मैं समझ गया बट वो तभी पॉसिबल होता है जब पैसा आता है और फेम आता है, राइट। हाँ जी बिल्कुल। तो मैं यही बोलूँगा 2018 का राहुल फिटनेस और आज 2023 का राहुल फिटनेस, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कभी एक प्रोटीन भी खाने को नहीं होता था, एक स्कूप दोस्त से मांग लिया, किसी से मांग लिया, आज इतना है कि कोई सा भी खोल लो अपना ही है। 4 प्रोटीन खोल रखे हैं, आइसोलेट अलग खोल रखा, हाइड्रोलाइट अलग खोल रखा, कैसीन अलग खोल रखा है, मतलब कोई भी खोल लो। बॉडी बिल्डर तो इसी में खुश हो जाता है भाई, अलग अलग टाइप के प्रोटीन और क्या, और कुछ भी नहीं है। बट यू नो वी शुड ऑल कांग्रेचुलेट राहुल। हाँ लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन में जाना। मेरे पास है तो मैं खा रहा हूँ, जब मेरे पास नहीं था मैं तब भी नहीं खा। आज भी मेरे 5-6 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रोटीन नहीं खाते, सिर्फ डाइट और अपने चीज़ों पे रहते हैं और बढ़िया कट के आते हैं। एक सवाल करूँ सबसे, करता हूँ, मैगी खाते हो? मैगी खाता हूँ मैगी तो देखो सभी खाते हैं, आपको भूख लग रही है तो बंदा इंस्टेंट बनती है ना 2-4 मिनट में, और ये पहाड़ में भी यही मिलती है और कुछ मिलेगा नहीं, और पेट भर जाता है आपका और नुकसान भी नहीं करती चीज़ें, है ना। देखो मैगी सब खाते हैं। हाँ सब खाते हैं, लेकिन तरुण भाई ने बोल दिया तो गलत हो गया वो मतलब अगर कोई और बोलता तो गलत नहीं था, लेकिन आपने बोला तो गलत हो गया। वो कंट्रोवर्सी करनी है लोगों को आपको लेके, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपना मस्त होके काम करो, हाथी चले बाजार और कुत्ते बट यार प्यार बहुत है राहुल से मुझे। तो राहुल को स्पेशली मैं कंग्रेचुलेट करूँगा कि मैं चाहता हूँ तुम हर शो में जाओ एज अ जज, हर शो में तुम हाईलाइट बनो, हर शो में तुम कमाल दिखाओ। मेरे को इसी चीज़ की खुशी है कि अब मैं लोगों की नज़रों में आया हूँ, तो भैया ने मुझे बुलाया, अब 2-3 जगह और भी मेरे को आया है, तो मेरे को तो यही बहुत है। तो शेयरिंग वेयरिंग बनती नहीं बनती अपनी यार? बिल्कुल बनती है शेयरिंग मेरी शेयरिंग यही है, तुमने जो बोल दिया यार, मेरी शेयरिंग यही है जो तुमने क्रेडिट दे दिया यार, यही से बड़ी कोई चीज़ कुछ है ही नहीं लाइफ में यार। आपके शो से मैं और भी पॉपुलर हो गया और मैं करता चला जाऊंगा, और भी चला जाऊंगा, मैं करता चला जाऊंगा। लेकिन मैं इसके लिए मेहनत भी करूंगा कि आप जो आपने मेरे उस पर बिलीव किया है मैं उसको पूरा करूंगा, बिल्कुल 100%। अरे होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो मैंने फॉर्म देखी थी राहुल की, वो पूरी इंडिया देखेगी दोबारा डेली प्रो शो में, उससे भी अच्छी, उससे भी अच्छी। और मैं मुकेश भाई को भी, मुकेश जी को, मुकेश गुरु जी को भी कंग्रेचुलेट बोलना चाहूँगा। और मैंने जितने भी वीडियोज़ करे हैं राहुल के ज़रिए, मैं ये बात बोलना चाहूँगा, मैंने फेक गुरु जी के बारे में बोला है, कभी मेरी इंटेंशन गुरु जी को लेके नहीं थी, क्योंकि सारे कभी आपने देखा कभी बड़े गुरु जी ने छोटे कभी भी आपको डायरेक्टली इस चीज़ को नहीं बोला, क्योंकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। पता है उनको सब पता है, लोग कुछ भी बैठ के बात कर रहे हैं आपके बारे में, जब बातें करेगा तो बंदा कुछ तो मतलब मुँह से निकलवाना चाहते जैसे होता है ना बहुत सारे लोग, लेकिन गुरु जी बहुत शांत स्वभाव के, उनको कोई मतलब नहीं है, वो मस्त रहते हैं। वो वीडियो मेरे बारे में नहीं था? नहीं, वो आपके बारे में नहीं था, मैं बताऊँगा। चलो वह बाद में बात करेंगे, बट लेट्स ऑल कंग्रेचुलेट राहुल भाई फॉर हिज अमेजिंग सक्सेस एंड अमेजिंग जर्नी।